बदलता मौसम और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव सामान्य तौर पर शरीर के लिए कई दिक्कतें पैदा करता है। उस पर आजकल कभी भी होने वाली बारिश स्थिति को और भी चुनौती भरा बना देती है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों की है। बच्चों को ठंड से बचाने और उनकी देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर माता पिता यह समझ नहीं पाते कि ठंड के मौसम में बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनाए रखे जाने चाहिए। वे या तो बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं या फिर कई बार सामान्य पतले कपड़ों में ही बच्चों को रहने देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बच्चे के हिसाब से मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स सिंगल फैमिली के रूप में रहते हैं, ऐसे में उन्हें असरदार पारंपरिक नुस्खे बताने वाला भी कोई नहीं होता। उस पर छोटे से बच्चे और उसकी देखभाल को लेकर पहले ही उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। ऐसे में IGMC के डॉक्टरों ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पेरेंट्स को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। IGMC के डिप्टी MS और विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण S. भाटिया का कहना है कि संक्रमण से लड़ने में पोषक तत्व की अहम भूमिका होती है। बच्चों को संतरे, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और ब्रोकली जैसे विटामिन सी वाले सिट्रस फल खाने को दें। ये फल और सब्जियां सर्दी जुखाम के से बचाने का काम करती हैं। ठंड लग भी जाए तो विटामिन सी बच्चों की जल्दी रिकवरी करता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि नवजात को ठंड में उल्टी दस्त लगने का ज़्यादा खतरा होता है। दस्त के साथ बच्चे के शरीर से बहुत पानी निकल जाता है, इसी कारण बच्चे को अधिक प्यास लगती है, कमजोरी महसूस होती है, पेशाब में कमी हो जाती है, जीभ मुंह में खुश्की, त्वचा में ढीलापन, सांस नाड़ी की गति सामान्य से तेज, तालू आंखें धंसने लगती हैं। इसीलिए नवजात को माँ के दूध के अलावा ORS और बार बार पानी देना बेहद ज़रूरी है। सर्दी जुकाम या बुखार होने पर बच्चे सुस्त हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। ठंड ना लगे इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों की ओर से की गई रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे पूरी नींद नहीं लेते हैं उनमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में बच्चों के सोने का समय तय करें। जब जब भी मौसम का बदलाव होता है तो बहुत सारे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो बीमारी का कारण बनने वाले जो भी हमारे जो जीव होते हैं, अणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। खासकर सर्दियां जब आती हैं तो सर्दी, गर्मी, जुकाम और गले की बीमारियां, गले में खराश, ये बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस दौरान। तो इसमें यही है, और बच्चों की जैसे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति थोड़ा कम होती है, तो बच्चों का जैसे ही एक्सपोजर होता है उस चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, तो इस तरह की बीमारियों से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। तो उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा ठंड से जो है बच्चों को बचाया जाए, और बहुत ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर से उनको बचाया जाए, और बारिश के दिनों में अगर बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनको रेनकोट या प्रॉपर जो है उनको छाता और गमबूट पहना के उनको भेजा जाए ताकि वो भीगने से बचें। और घर के अंदर जो है अगर हो सके तो बच्चों को स्टीम जरूर दें सुबह या शाम को, और बच्चों को जो है विटामिन सी अगर आप दवाई के रूप में टैबलेट फॉर्म में भी चूसने को देते हैं, या विटामिन सी से युक्त जो फल हैं जैसे आपका संतरा है, आपका नींबू है, मौसमी है, इस तरह के फलों का सेवन करवाया जाए जिससे कि उनकी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और इस तरह के जो संक्रमण वाले जो रोग हैं जो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।